तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं और रैकवार दोनों लोग साथ में ड्यूटी निकले। मैं औरंगाबाद पहुंचा, खाना वाना खाया, रात के 10 बज रहे थे। उसके बाद सो के मैं जगा, कॉल बुक के साथ निंदु आया हुआ। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और देखो, आज मैं इतनी गहरी निद्रा में सोया हुआ था, इतनी गहरी निद्रा में कि सर जगाए कि राजीव जग जाओ, टाइम हो गया। तो हाँ, रेडी होने का टाइम आ चुका है। मैं लगभग 1 घंटे पहले जगा था, उसमें से आधे घंटे में फ्रेश होने में लगा दिया, क्योंकि दिमाग जैसे ही चालू होता है तो प्रोसेसिंग में भी टाइम तो लगता है ना। तो वही बात है, बस यहाँ से रेडी होना है और हम लोगों को गाड़ी नंबर 07778 लेके जाना है यहाँ से। तो अभी बस अब आधा घंटा टाइम बचा हुआ है, रेडी होके लॉबी पहुँचना है और फिर सीधा औरंगाबाद से पूर्णा 3 बजे। तो अभी चलो रेडी वेडी होते हैं और रनिंग रूम का हालत कुछ ऐसा है। सर हमारे उधर है। ये है मेरा बेड। तो हाँ, फटाफट से अब रेडी हो लेते हैं और निकलते हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, बहुत थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। फोन वोन कुछ चार्ज नहीं है, तो वैसे फोन का जरूरत भी नहीं होता है। तो शायद पहुंचेंगे 3 बजे, और 3 बजे कुछ लोग आने वाले हैं मेरे रूम पे वेरिफिकेशन के लिए। कल ही कॉल आया था आते टाइम, मतलब 12 बजे के आसपास आया था। तो मैंने बोला था नहीं अभी ड्यूटी जा रहे हैं, कल आना। तो वो लोग आएंगे, वो करवाना है, काम ही काम है। और देखो एक चीज दिखाता हूँ, तो कैप का हालत क्या हुआ बस एक बार में, क्योंकि मैं धो के पहना था, इतना पसीना होता है। तो लोगों में गर्मी तो रहता ही है और साला एसी भी नहीं चलता है, वो दिक्कत है। तो ठीक है, फटाक से रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं आराम से और मिलेंगे सीधा। तो देखो फाइनली निकले थे, कितना बजे यार, निकले थे 8 बजे और अभी पहुंच रहे हैं, अभी बज रहा है 3:30। और खाना पैक करवाना पड़ गया क्योंकि हमारे राजकुमार रैकवार साहब सुबह से नहीं, कल रात से ही हैं, और वो पानी नहीं लिए तो बोल रहे हैं कि पानी नहीं है, इसलिए मैं खाना नहीं बनाया। मतलब दाल बना के रखा हुआ, आटा लगाने के लिए रोटी नहीं था, इसके वजह से। तो अभी रूम मेरा उतना दूर है, उधर क्वार्टर दिख रहा होगा, और ये सब यूनियन, ये ऑफिस है। अभी मैं भागा भागा बस जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक क्रेडिट कार्ड का वेरिफिकेशन होने वाला है मेरा आज। और वो भाई साहब आके लगभग 45 मिनट से या 1 घंटे से बैठे हुए हैं, उनको रूम पे बैठा हुआ है रखवा। मैं फटाक से जाऊँगा, पहले वेरिफिकेशन कराता हूँ, खाना बाद में खाएंगे। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है जनरल लोगों से, या फिर आप लोगों से सबसे। तो अभी मैं जाता हूँ रूम पे, देखता हूँ, प्रिपरेशन कराता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो भाई साहब का बाइक यहाँ खड़ा है, मेरा क्वार्टर है, ये देख रहे हो कितना आलीशान है क्वार्टर मेरा, गजब लग रहा है यार। इतना अच्छा से तो सामने से नहीं दिखता है, लेकिन हाँ अच्छा है। तो रैकवार का ड्यूटी भी लग चुका है, उसको 3:30 बजे जाना है और उसने खाना नहीं बनाया है, समझ रहे हो? कहाँ है भैया? भैया देखो बहुत देर से बैठे हुए हैं। क्या क्या चाहिए वेरिफिकेशन में? आधार और पैन बस। हाँ, और ये साला रेडी होके बैठा हुआ है और बोल रहा है रूम पे पानी नहीं है इसलिए खाना नहीं बनाया। वाह, इनके साइन ऑन का टाइम हो गया है और यहाँ बैठ के बिरयानी खा रहे हैं भाई साहब। जल्दी जा। तो हाँ देखो, जो इम्पोर्टेंट बात था वो बताना, मैं एक बात बताता हूँ। देखो जैसे कुछ लोग होते हैं, सुबह सुबह एक लौंडा था, पहले तो लोटा लेके वो ट्रैक पे निकला हुआ था हगने, ठीक है, और पटरी पे स्टंट मार रहा है। हैं? अबे नहीं, पटरी पे वो निकला हुआ था हगने, और साला हम लोग इधर से हॉर्न बजा रहे हैं, वो सामने सामने आ रहा है। तो मैं ऐसे लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, हगने निकले हो ना,
जो गांड से प्राण निकल जाएगा सोच लेना किसी दिन लग गया तो सीरियसली तो यार देखो, ट्रैक रेल से कभी ट्रेन से मजाक नहीं करना चाहिए। अगर गलती से चपेटे में आ गए ना, तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो ही अच्छा है, बच गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इसलिए रेल से कभी मजाक नहीं, कि रील बना रहे हैं या स्टंट दिखा रहे हैं या दोस्तों को इम्प्रेस कर रहे हैं कि देखो हम हटते नहीं हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज था। और तो कुछ नहीं, बस आ चुके हैं 777 खत्म करके, और अभी बस खाना खाना बाकी रह गया। खाना खाएंगे, फ्रेश होंगे, यूनिफॉर्म देख रहे हो, मजदूरों वाला हालत हो चुका है। मैं तो सोच रहा था यार क्रेडिट कार्ड वाला देखेगा इस हालत में मुझे, तो वो बोलेगा यार मजदूर हो तुमको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता था। तो चलो ठीक है, अभी खाना खाएंगे, तुम लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर। हाँ, अपना ख्याल रखो, अभी मैं चेंज करूंगा सबसे पहले।